आज मैं आपको एक स्प्रेड बताता हूँ, सक्सेस स्प्रेड। एक सेकंड, सक्सेस स्प्रेड क्या होता है? इसमें हम लोग पांच कार्ड निकालते हैं, फाइव कार्ड। पहला कार्ड जो होता है इसके अंदर, फर्स्ट कार्ड नोट कर लीजिए, दैट इज प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट, ये पहला कार्ड होता है। दूसरा कार्ड हमारा होता है सेकेंड कार्ड। ये कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या है, हम लोग भी बहुत घर में क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हम संसार में आए हैं तो आए क्यों है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ का मोटिव क्या है। या क्लाइंट आपके पास आता है कल को, कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी का मोटिव क्या है, तो उसको भी देखने के लिए ये काम आता है, इस स्प्रेड है सक्सेस स्प्रेड। इसमें क्या है कि पहला तो हम कार्ड निकालेंगे जो क्लाइंट की हमको बताएगा कि इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्या सोचता है, ये कैसा है, ये सब चीजें बताए। दूसरा कार्ड निकालेंगे कि लाइफ का मोटिव क्या है, लाइफ का मोटिव, व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ। दूसरा कार्ड, थर्ड कार्ड हम निकालेंगे कि अगर हम अपने मोटिव को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑब्स्टेकल्स आ रही है, मेरे मोटिव को फुलफिल करने के लिए व्हाट आर दी ऑब्स्टेकल, क्या मुसीबत, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले तो मैंने देखा कि मेरी एनर्जी क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, फिर मैंने देखा कि मेरा लाइफ का मोटिव क्या है, निकल गया जी के मोटिव आपका लाइफ का ये है, आपने समाज सेवा करनी, ठीक है जी, लाइफ का मोटिव आ गया। थर्ड कार्ड मैंने निकाला कि भाई मेरे इस मोटिव को पूरा करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल आ रही है, क्यों मैं समाज सेवा नहीं कर पा रहा, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थर्ड आ गया कि स्ट्रगल्स क्या क्या है, वो ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है, ऑब्स्टेकल्स टू अचीव मोटिव, ये आप थर्ड कार्ड से देखेंगे। अब आपको मालूम चल गया ऑब्स्टेकल भी क्या है, तो चौथा कार्ड आपका होगा क्या, कोई बोलेगा भाई आपने ये देखा कि एनर्जी क्या है क्लाइंट की, मतलब क्लाइंट कैसा है, खुश रहता है, दुखी रहता है, गमगीन रहता है, एंजाइटी में रहता है, कैसा रहता है। फिर आपने कार्ड देखा कि भाई इसकी लाइफ का मोटिव क्या है, आपने निकाल दिया भाई तुम्हारी लाइफ का मोटिव सोशल सर्विस। फिर कि थर्ड कार्ड तुमने निकाल, हाँ जी हाउ टू अचीव दैट मोटिव। हाँ, क्या करूं कि मैं वो मोटिव को अचीव करूं, मेरा मोटिव अचीव हो जाए, हाउ टू अचीव द मोटिव, मतलब क्या अपने अंदर बदलाव लाऊं मैं जिससे मैं अपना मोटिव को अचीव कर सकूं। तो फोर्थ कार्ड हमारा आएगा हाउ टू अचीव मोटिव। मोटिव अचीव करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट आर दी बेसिक, कि क्या चीज आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, व्हाट आर दी बेसिक चेंजेस जिससे कि आपको मोटिव आपका अचीव हो जाए। एंड पांचवा कार्ड आप निकाल सकते हैं गाइडेंस। अच्छा देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, कई बार क्या आता है, क्लाइंट आता है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आके कि साहब मेरे इसके बारे में बताइए, तो आप उस क्वेश्चन को एज इट इज मत ले लीजिए, उस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से एलिमेंट्स में ब्रेक कीजिए। कोई पूछता है जी मेरा शादी कब होगी, या कोई भी प्रश्न आप अपनी तरफ से पूछिए कि कोई कोई आदमी आपके पास आता है और डायरेक्टली कोई क्वेश्चन करता है, तो उस क्वेश्चन को एज इट इज आप पैरों से ना पूछ के आप उसके अंदर पहले, अब जैसे मैंने आपसे यही कहा कि कोई आपके पास आ गया जी मेरी लाइफ का मोटिव क्या, मुझे तो यही समझ नहीं आता, तो उसके लिए कार्ड आप एक भी निकाल सकते हो कि भाई आपने एक कार्ड निकाला और आपने उस कार्ड को निकाला ये कह के देवी माँ से बोलिए बोल के कि इसकी लाइफ का मोटिव क्या है, वो कार्ड भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप उसके क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में तोड़ सकते हो कि भाई पहले तो ये देख ले कि इस क्लाइंट की एनर्जी क्या है, इसकी लाइफ का मोटिव क्या है, क्या ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आप उसके क्वेश्चन को रिफ्रेम करते हैं अपने पास, और जब रिफ्रेम करते हैं तो रिफ्रेम करके आप उसको ठीक से सोचते हैं कि कैसे मैं टैरो कार्ड से क्वेश्चन को पूछ, तो उस क्वेश्चन को रिफ्रेम करने के लिए हो सकता है उसके क्वेश्चन को आपको डिफरेंट एलिमेंट्स में तोड़ना पड़े, तो वो तोड़ सकते हैं आप उसको आराम से अपने हिसाब से, कि भाई इसने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं टैरो से चार क्वेश्चन पूछता हूँ या चार क्वेश्चन पूछूंगी जिससे इसे क्वेश्चन का आंसर मिले। आपको सीधा उससे क्वेश्चन रिपीट नहीं करना, वो आया आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया कि भाई इसका बेसिक क्वेश्चन ये है, अब उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए टैरो से आपने कैसे कैसे पूछना है वो आपको डिसाइड, एक ही स्टेप में पूछना है या तीन स्टेप में पूछना है या चार। तो स्प्रेड्स का मतलब यही है कि आप समझ सके कि क्वेश्चन को आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ना। तो यही कार हो गया कि उसने पूछा मेरी लाइफ का मोटिव क्या, आपने कहा जी कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट पहले देखो, चेक करो कि बंदे की एनर्जी कैसी है, वो चेक करना जरूरी। दूसरा आपने देखा कि इसकी लाइफ का मोटिव क्या है, तीसरा देखा कि इस लाइफ को मोटिव को अचीव करने में से क्या ऑब्स्टेकल्स आ रही है, चौथा ये देखा आपने कि क्या बदलाव लाए जाए कि ये अपनी लाइफ का मोटिव को अचीव कर ले, और पांचवा ये कि अगर मोटिव अचीव कर लिया तो क्या गाइडेंस उसके लिए होनी चाहिए, तो वो गाइडेंस आ गया पांचवा। तो मतलब आप इस क्वेश्चन को 3 बार में भी पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को 4 स्टेप में भी पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को 5 स्टेप में भी पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन को 1 स्टेप, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन जितना आप क्वेश्चन को डिफरेंट स्टेप्स में कर लोगे, उसका स्टेप्स को ब्रेक डाउन कर लोगे, उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपको मिल। अब जैसे हम में से अब हम लोग कोई करते हैं, कोई अपनी लाइफ का मोटिव डिस्कस कर सकता है अगर करना चाहे तो, हम में से संगीता जी हैं, सावित्री जी हैं, मनीषा जी हैं, सुदीप्ता जी हैं, दीपक भी है, सब लोग हमारे साथ बैठे हैं, तो डमी एक्सरसाइज करना चाहें तो एक डमी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और या अगर कोई अपने बारे में पूछना चाहे कि भाई मेरी लाइफ का मोटिव क्या है तो वो भी पूछ सकता है, तो या हम लोग डमी एक्सरसाइज कर लेते हैं,
लाइफ का मोटिव अपना, फिर आप जब क्लास से फ्री हो जाएं तब पूछ लीजिएगा। एक डमी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, तो डमी एक्सरसाइज संगीता जी आप स्टार्ट कीजिए, आप एक सक्सेस पैड निकालिए। क्वेश्चन आपका रहेगा कि लाइफ का एक क्लाइंट आपके पास आया है, उसकी लाइफ का मोटिव क्या है, तो उसके हिसाब से आप ये, आपको डिफरेंट कार्ड फ्रेम करना पड़ेगा, मतलब टैरो कार्ड से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी चार्ज करके कि हे देवी माता, पहला मैं इनसे पूछ रही हूँ कि इस क्लाइंट की एनर्जी क्या है। दिस कार्ड इज फॉर क्लाइंट एनर्जी नंबर वन। फिर मैं देख पूछ रही हूँ इस क्लाइंट का मोटिव क्या है, दिस कार्ड इज फॉर क्लाइंट मोटिव नंबर टू। पांच तो कार्ड सर आप इसमें निकाल लेंगे। मेजर और माइनर आर्कना सारे कार्ड्स करने इकट्ठे? हाँ, सब सब इकट्ठे करे कर, माइनर आर्कना भी मेजर आर्कना भी, सारे कार्ड इकट्ठे करके 78 कार्ड आपको शफल करने, और शफल करने के बाद आपने पांच कार्ड निकालने हैं। पांचों कार्ड का आपको मालूम होना चाहिए कि पहला कार्ड कौन सा है, दूसरा कार्ड कौन सा है, तीसरा। अगर आप तीन कार्ड निकालना चाहती हैं आप तीन निकाल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पहला कार्ड किस प्रश्न का है, सेकंड कार्ड किस। तो सर ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए निकालूं कार्ड या एक रैंडमली निकाल लूं? मिगेल हम डमी स्टडी कर लेते हैं, कोई अपनी करना चाहेगा स्टडी? सर मेरी कर लीजिए। मनीषा जी, हाँ जी चलिए मनीषा जी की स्टडी सर, कर दीजिए, मनीष टैरो से पूछ के कि मनीषा जी की लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट नंबर कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल। पहला कार्ड, सब लोग नोट कर ले अपने पास, सबको बोलना है इसके ऊपर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड है फर्स्ट क्वेश्चन की क्लाइंट की एनर्जी क्या है, दैट्स राइट। हाँ जी। हाँ अब हम सेकंड कार्ड निकाल रहे हैं जो कि मनीषा जी की लाइफ का मोटिव क्या है। हाँ बहुत अच्छा कार्ड आया है। 9 नंबर आया है, 9 ऑफ पेंटिकल आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल, अच्छा। देन थर्ड कार्ड निकालिए, उनकी फुलफिल करने में नाउ क्या अब परेशानी आ रही है। ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं इनको अचीव करने में? सर ये आया है 3 ऑफ कप। थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ कप अच्छा। एंड हाउ टू अचीव मोटिव में आया है इनका पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स, जी सर। हाँ अभी भी गाइडेंस निकालनी है क्या सर? हाँ निकालो निकालो। गाइडेंस मतलब गाइडेंस ये में कि मैं अभी अपने अंदर क्या बदलाव लाए, क्लाइंट अपने अंदर क्या बदलाव लाए कि वो उसको रिजल्ट मिल जाए। अब ये सर हो गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जी तो कार्ड तो सारे अच्छे आए हैं। पेज प्रेजेंट ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंटिकल्स, क्लाइंट में पेज ऑफ पेंटिकल है सब ना? लोग अपने पास पेज ऑफ पेंटिकल्स खोल लीजिए और कार्ड को सब लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और बताइए कि मनीषा जी की लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले तो मनीषा जी की एनर्जी क्या है, मनीषा जी नहीं बोलेंगी बाकी सब लोग बोलेंगे, फिर इनसे पूछेंगे कि हाँ यही है कुछ और है। यूजफुल वो है इनका, बट शी हैज टू बी लाइक, इनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी केयरलेसनेस की तरफ है। शी हैज टू बी मोर केयरफुल। अगर हाँ ये लाइफ का मोटिव अचीव करना है इनको हाँ तो बस आई थिंक बाकी तो अच्छा ही है। ये कार्ड सिर्फ यही है कि थोड़ा सा इनको केयरलेसनेस एटीट्यूड को अपने हटाना। जो हटाना, प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें ये थोड़े से केयरलेस हैं अपने मोटिव को अचीव के लिए। बिल्कुल ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या है, लाइफ का मोटिव क्या है। हाँ लाइफ का मोटिव है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मोटिव है इनका लग्जरी अचीव करना, मनी, फ्रीडम, हैप्पीनेस। मतलब मोटिव है इनका सक्सेस, ये सक्सेस, फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ये सब अचीव करना है। फुलफिलमेंट। हाँ ये सब इनको अचीव करना है, ये इनका मोटिव है लाइफ का कि हाँ बच्चे हर तरह से लग्जरी मिले, पैसा मिले मेटलिस्टिक और कंफर्ट मिले। फ्रीडम हो, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट मिले हाँ और हैप्पीनेस रहे लाइफ में, एंजॉयमेंट रहे, सक्सेस हो। तो इनकी लाइफ का मोटिव है ये। फ्रीडम टू स्पेंड मनी, चलिए सबकी पार्टी करेंगे, कोई बात नहीं, आगे चलिए। मोस्ट इनके इनके वेलकम। मोटिव को फुलफिल करने में क्या परेशानी आ रही है, थ्री ऑफ कप्स बताया। हाँ 3 ऑफ कप्स में शी नीड्स द एनर्जी टू अचीव हर मोर। जैसे पहले ही इनका जो आया है उसमें यही है कि ये थोड़े से केयरलेस, हाँ तो इफ शी विल पुट इन सम मोर एनर्जी और अपना केयरलेसनेस का एटीट्यूड, जो एनर्जी ये नहीं पुट इन कर रही है इसको अचीव करने में, हाँ इफ शी विल पुट इन दैट एनर्जी, हाँ तो इसको अगर हम स्टोरी लेंगे तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है जो नेक्स्ट हमारा, वो भी यही दिखा रहा है कि भाई थोड़ा सा एनर्जी को, इनको एफर्ट को डालना पड़ेगा अपनी लाइफ के मोटिव को अचीव करने के लिए। थ्री ऑफ कप्स मतलब बेसिकली ये नॉलेज एंड क्रिएटिविटी वाला कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स जो हाँ है जी हाँ। पॉजिटिव कार्ड तो है। शी हाँ हैज द नॉलेज, शी हैज द क्रिएटिविटी, बट शी हैज टू पुट इन द एनर्जी। शी हैज टू लीव हर केयरलेस एटीट्यूड एंड हाँ हैज टू वर्क फॉर दैट। और फैमिली को आई थिंक साथ शी लेके नीड्स चलना टू पड़ेगा। कोलैबोरेट ऑल्सो एंड मे बी हाँ गेट बेनिफिटेड फ्रॉम फ्रेंडशिप एंड अदर, यू नो, कल्टिवेट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर शी कैन बी बेनिफिटेड। बिल्कुल ठीक बात है, कोलोबरेट करके भी इनको चलना है, क्योंकि तभी ये सभी ये सेलिब्रेट कर पाएंगी अपनी चीज को सारी। अब नेक्स्ट है इनका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या चीज आई है इनका, ये आया है
क्या बदलाव लाए। हाउ टू अचीव है ना। हाँ अगेन वही है, न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन इनको डेवलप करना पड़ेगा अपना। जी एंड अगेन ये पहले कार्ड से मिल रहा है, पहले में केयरलेसनेस था, और पेज ऑफ स्वॉर्ड में भी हम ये बोलते हैं कि स्टॉप बीइंग केयरलेस, हाँ स्टॉप हाँ बीइंग केयरलेस। ये सारा इन्हें छोड़ना पड़ेगा सब चीज। हाँ, एंड यू हैव टू बी मोर इनोवेटिव, यू हैव टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू हैव द पुट इन द एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इन टू योर मोटिव, देन ओनली यू वुड बी एबल टू अचीव, यू वुड बी एबल टू अचीव। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है गाइडेंस का, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है व्हील ऑफ इनका, फॉर्चून आया। है ना। तो हाँ शी वुड अब बी एबल टू अचीव, शील वर्क फॉर दिस। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जो है वो भी कार्ड बहुत अच्छा है, वो भी देखिए आप। जी तो अगर ये सारा काम आप कर लेती हैं, मतलब आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सक्सेस हो, सब कुछ, ये आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ से आप सबको कोलैबोरेट करके चलती हैं, सबसे लोगों से मिलके चलती हैं, फैमिली मेंबर से मिलके चलती हैं, तो आप अपने इस चीजों को अचीव कर लेंगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून तो फिर आपका है ही कि भाई आपका वक्त जो है वो आपका अच्छा वक्त आपका इंतजार कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लक इज ऑन हर साइड। हाँ तो अब इनसे पूछ लेते हैं कि वास्तव में यही ऑब्जेक्टिव है, कुछ इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव था सही में, पहले तो इनसे इनका। पूछा नहीं जाए। नहीं हाँ सर ये बिल्कुल ठीक निकला है। और ऐसा है कि अगर मेरे पास 3-4 काम एक साथ आते हैं तो मैं हाँ उनको मैनेज नहीं कर पाती। हाँ हाँ तो मुझे लगता है कि जो मैं प्रायोरिटी दे देती हूँ कि मुझे ये पहले करना है, जबकि चाहे दूसरा भी इम्पोर्टेंट हो, तो हाँ उसमें मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ इसलिए अभी जैसे कि मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ उसमें, एस्ट्रोलॉजी में, हाँ तो वो मैं करना चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं उसको मैं कर नहीं पा रही। बहुत आइडियाज हैं मेरे पास, लेकिन मैं उनको अभी लगा नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से जाऊं, किस चीज को करूं। बस माइंड में है कि मुझे रिसर्च करनी है इस चीज के ऊपर, वो मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो वही चीज है ना, आपका जो वो जो हाँ पेज कार्ड आ रहा है वो यही आ रहा है कि बस थोड़ी केयरलेसनेस दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो सब चीजें हो रही है। क्योंकि यूथ का कार्ड है वो, पेजलेस पेज वाला कार्ड जो होता है, यूथ का कार्ड होता है, थोड़ा हाँ कंफ्यूजन जी का कार्ड होता है, बच्चा है हाँ तो वो सब चीज सोचता है कैसे पढ़ूंगा आगे क्या करूंगा। तो वही कार्ड आपका आ रहा है जिसकी वजह हाँ से ये जी हाँ प्रॉब्लम, जी पेज वाले कार्ड आपके 2 जगह आए हैं, एक पेज ऑफ शॉर्ट्स आया आपका कि क्या बदलाव लाऊं, कि अभी अपने अंदर से ये सब चीजें कंफ्यूजन दूर करो, एनर्जी लेके आओ अपने अंदर, न्यू रेस्पॉन्सिबल आइडिया, बनो। वही मैं आइडिया ही हाँ सोच रही हूँ कि मुझे क्या आइडिया लगाना है, हाँ कि जो मैं रिसर्च के पेज बारे में वैसे सुन। भी बिगनिंग है ना, पेज वैसे भी मतलब यूथ यंग है, तो वो बिगनिंग ऑफ एनी वर्क आपका दिखा रहा है। हाँ, हाँ तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान। चलिए वेरी नाइस संगीता थैंक यू जी, संगीता जी, और बड़ा अच्छा वो थैंक यू निकाला मनीषा आपने। जी, थैंक यू चलिए जी। पहले इनको ऑब्जेक्टिव, तो कार्ड पॉजिटिव आ गए। हम सब चाहते हैं इनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो बिल्कुल और फिर ये सबको ऑब्जेक्टिव जी, लेके सेलिब्रेट करें हम लोगों के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ पूरे ग्रुप के साथ करेंगे। अच्छा, और कोई करना चाहेगा अपना कोई किसी कोई एक्सरसाइज एक और इस तरह की? सुदीप्ता यस सर, जी सर, जी सर, जी सर। दीपक क्लास में है क्या? दीपक चला गया क्या? अभी तो ज्वाइन किया था उसने। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आया इस तरीके से आपको ये सक्सेस स्प्रेड करना, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग डमी एक्सरसाइज करना चाहे तो एक डमी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, किसी का कोई भी कर सकते। तो ये निकाल के आप देखिएगा, इसको हम बोलते हैं सक्सेस स्प्रेड। मैंने आपको वही बताया कि आप 3 कार्ड निकाल के भी काम कर सकते हो, 2 कार्ड निकाले काम कर सकते हो, 5 कार्ड निकाल के काम कर सकते हो, और 6 कार्ड निकाल के, डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपने कितने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन, 2000 बस में अक्टूबर तक मेरा ठीक। इतना फर्क पड़ता। तो अब हम सक्सेस स्प्रेड से आते हैं कि एक 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 लव रीडिंग करते हैं ना, ऐसी लव फेयर के प्रश्न भी आपके पास बहुत आते हैं कि भाई कैसा रिलेशन है, क्या है, ऐसी एक लव रीडिंग करते हैं। तो लव रीडिंग करने के लिए मैं कह सुदीप्ता आप करो, कि कोई आदमी कोई बंदा आपके पास आया, आके वो बोलता है कि जी एक जस्ट थोड़ा रिलेशनशिप का मेरा देखिए कैसा है, आप लाइफ में लव रिलेशनशिप कैसी है, तो उसका देखने के लिए तो पहली चीज तो ये है कि हम लोग एक कार्ड भी निकाल सकते हैं कि भाई इसका इसका लव रिलेशनशिप कैसा है, तो वो तो यस में आंसर दे देगा, पॉजिटिव कार्ड आया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कार्ड आया तो नेगेटिव है। ये सर आपने 6 कार्ड से सिखाया था ना, हाँ लवर स्प्रेड। वो लवर स्प्रेड कर मतलब कोई भी, देखिए स्प्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर स्प्रेड करना है, आप कोई भी स्प्रेड करिए किसी चीज के लिए भी करिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को आपको अपने हिसाब से, जो क्लाइंट क्वेश्चन है उसको अपने हिसाब से ब्रेक कर डिफरेंट स्टेप्स, जिससे कि आपको स्पेसिफिक आंसर मिले। अब किसी जैसे भी जैसे मैं ही आपके पास गया, मैं आपके पास जाके बोलता हूँ कि सुदीप्ता जी मेरा जरा देखिए कि मेरा लव और लाइफ रिलेशनशिप कैसी चल रही है, लव रिलेशनशिप कैसी चल रही है, तो अब सुदीप्ता जी क्या कर सकती है कि वो एक कार्ड निकाल लें, निकाल के बोले कि जी आपकी तो पॉजिटिव कार्ड आया बढ़िया चल, या नेगेटिव कार्ड आया कहीं प्रॉब्लम चल। अब मैं पूछूंगी क्या नेगेटिव आया जी या क्या पॉजिटिव आया जी, तो वो मैं क्वेश्चन बार बार पूछूंगा। इससे अच्छा ये है कि सुदीप्ता जी मेरे बारे में थोड़ा जानकारी लें कि भाई इसका
पास्ट कैसा था, प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, अब फ्यूचर कैसा रहेगा, इसकी लव के बारे में, लव रिलेशनशिप के बारे में, पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, फ्यूचर कैसा रहेगा। तो आपने तीनों आंसर बता दिए। जब तीनों आंसर बता दिए आपने, मतलब आप समझिए कि उसकी जो इच्छा है पूरी हो गई। अदरवाइज क्या है कि वो बार बार आपसे क्वेश्चन करता, बार बार आप कार्ड शफल करते और बार बार आप उसका कार्ड निकालते। आप मेरी बात समझ गए ना? तो तरीका ये होता है कि कैसे हम लोग उस चीज को करें। अब जैसे तो मतलब कोई भी स्प्रेड हो, अगर हमने रूल वाइज कार्ड नहीं निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन हाँ चार निकाल के हम हाँ अपने हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। भाई, जैसे देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जो हमारे कभी गुरुजी सुनाया करते थे कि एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे सेठ। सेठ जी तो पैसे वाले होते ही हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब उनके सेठ जी की जो वाइफ थी, उनके गांव से एक लड़का आया और आकर बोला कि जी मैं आपके गांव का रहने वाला हूँ और मेरी नौकरी आप अपने पास लगवा दीजिए। तो उसको सेठ जी की वाइफ को बहुत तरस आया, बोले तुम्हारे गाँव का लड़का है तो नौकरी लगवानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरी नौकरी लग जाएगी, चिंता मत कर। उन्होंने सेठ जी से कहा कि मेरे गाँव से एक लड़का आया है, उसकी नौकरी। सेठ जी पहले तो बोले भाई वैकेंसी तो कोई है नहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, लगानी पड़ेगी नौकरी आपको उसकी, वो मेरे काम का लड़का है। तो सेठ जी बोले ठीक है, कल भेज देना, मैं नौकरी लगा दूंगा। तो सेठानी ने उस लड़के को बोल दिया कि तुम जाओ सेठ जी के पास, वो तुम्हारी नौकरी ला। वो लड़का चला, लड़का वहां चला गया। तो सेठ जी बोले भाई आज से तुम्हारी नौकरी है चपरासी, और तुम जो है तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम उसका काम करोगे, जो तुमसे कहेगा करने के लिए वो काम करोगे, तुम्हारी नौकरी चपरासी की है। कहा ठीक है जी। अब उसने जब नौकरी ज्वाइन कर, तो उसने ये देखा कि मैं तो सारा दिन लगा रहता हूँ, कभी कोई कहता है पानी लाओ, कभी कहता है चाय लाओ, कभी कहता है ये फाइल लाओ, कभी कहता है वो फाइल लाओ, सारा दिन बिजी रहता हूँ, भागता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ। और सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा था, मुनीम जी हुआ करते थे उन दिनों, उन जमाने में। वो अपना नीचे तख्ती लेके बैठे रहते हैं गद्दी डाल के, और तनख्वाह ले जाते हैं महीने की 100 रुपए, अब मुझे मिलता है 2 रुपए। तो ये तो बड़ा नाइंसाफी है सेठ जी की। तो वो सेठानी के पास, और तो सेठानी से बोला सेठानी जी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि सेठ जी के यहाँ तो नाइंसाफी होती है, मैं सारा दिन काम में लगा रहता हूँ, पूरा दिन थक जाता हूँ, मुझे मिलते हैं 2 रुपए, और एक मुनीम जी हैं वो अपना बस कलम घिसते रहते हैं थोड़ी सी, उनको मिल जाते हैं 100 रुपए। तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, तो गलत है। तो सेठ जी बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उन्होंने सेठानी को अपने पास बुला लिया, बुलाने के बाद बोले बैठ जाओ। फिर सेठ जी ने उनसे कहा, जो चपरासी था, कि भाई देखो बंदरगाह पे एक जहाज आया है, पता कर गया। वो भागा, भाग के गया, आधा घंटे बाद लौट कर आ गया, आके बोला कि जी हाँ जहाज आया बंदरगाह। फिर सेठ जी बोले पता करके आओ उसमें क्या लगा हुआ है। फिर वो गया भागता हुआ, फिर आधा घंटे बाद आया, फिर बोला कि उस जहाज में नमक लगा हुआ। फिर बोला पता करके आओ कि नमक क्या भाव है। फिर वो भागते हुए गया, फिर आके उसने नमक का भाव बताया। ऐसे करते करते 2 घंटे तक लगातार वो भागता। अब सेठ जी ने कहा तुम बैठ जाओ, मुनीम जी को बुलाते हैं। मुनीम जी को बुलाया कि मुनीम जी जरा देखो बंदरगाह पे जहाज आया। मुनीम जी गए, 1 घंटा हो गया। तो वो तो खुश हो गया लड़का, तो देखो जी मुनीम जी तो 1 घंटे में पता ही नहीं लग पाए, अब मैं तो आधा घंटे में लौट आया था। 1 घंटे बाद मुनीम जी आए, मुनीम जी बोले जी बंदरगाह पे जहाज आया था, जहाज में नमक लदा हुआ था, मैंने उससे पूछा भी नमक क्या भाव है, उसने कहा जी 10 रुपए 10 पैसे किलो, बाजार में चल रहा है वो 15 पैसे किलो, मैंने 10 पैसे किलो खरीद लिया, 15 पैसे किलो बेच दिया, ये जा आपका मुनाफा, पोटली में मुनाफा ला दिया। तो उसने कहा ये अंतर है, उससे जितना कहा जाता है तो उतना पूछता है, उतना करता है, इनको मालूम है क्या करना। तो ये बेसिकली जब हम लोग कंपनीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब इवेल्यूएशन करते हैं, तो ये टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं, जॉब इवेल्यूएशन, कि भाई कौन कितना कर पा। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि टेरो कार्ड, कोई आपके पास आए और आके पूछे कि जी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, तो इंस्टेड ऑफ के आप एक कार्ड निकाल के बोल दें ये है तेरी लाइफ का मोटिव, आप उसका देख लीजिए पहले, उस क्लाइंट की एनर्जी क्या है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम है, फिर उसके मोटिव देखिए, फिर देखिए उसकी लाइफ में मोटिव अचीव करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट कि उसे एक जब आंसर आप देंगी कंप्लीट कर, तो वो कंप्लीट आंसर हो। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी जो प्रश्न क्लाइंट पूछता है, उस प्रश्न को अपने अंदर पहले टुकड़ों में तोड़ लीजिए और नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल लीजिए। आप नंबर ऑफ कार्ड 3 निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, इट डिपेंड्स अपॉन स्प्रेड्स। तो आपको इसलिए बताया गया है कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि कैसे कार्ड्स हम लोगों को निकाल, समझिए आप। तो ये चीज, चलिए अब हमने कहा कि लव रीडिंग के बारे में बात करी, कि लव रीडिंग के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो मैं गया, मैंने पूछा सुदीप्ता जी से कि जरा बताइए मेरी लाइफ में रिलेशनशिप और कैसा रहा है, तो वो कैसे कैसे कार्ड निकालेंगी, एक ये देखने वाली बात है। तो कोई भी एक डमी एक्सरसाइज सुदीप्ता जी कीजिए जरा। जी सर आपके पास कोई एक्स बंदा आया, अब वो आपसे जी पूछता है कि कोई लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप कार्ड निकाल सकते हैं, 3 कार्ड निकाल सकते हैं, कि मैंने कहा ना जैसे इसका पास्ट कैसा रहा, एक से कुछ सॉरी इसका पास्ट कैसा है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है इसकी, और फ्यूचर कैसा रहेगा। ऐसे करके आप 3 चीज निकाल के देख लीजिए, 3 कार्ड। जी सर जो पार्टनर कैसा रहेगा, इसके पास का क्या लेना देना नहीं, क्लाइंट का, देखिए क्लाइंट आपके पास आया है ना, वो है? आपसे पूछ रहा है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आके कि मेरे लव और रिलेशनशिप कैसी रहेगी, तो एक कार्ड निकालने बजाय आप 3 कार्ड निकाल के साहब, पास्ट में आपकी ऐसी थी, जी प्रेजेंट में आपकी ऐसी चल रही है, और फ्यूचर में आपकी ऐसी रहेगी, जी सर ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं उसको, फिर करना क्या है, गाइडेंस क्या देनी है, वो अलग से कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर गाइडेंस निकाल के उसको बता दीजिए भाई आप ये करोगे तो लव रिलेशनशिप आपकी बच जाएगी,
अगर गड़बड़ हो रही है, अगर सही चल रही है तो गाइडेंस निकालने की जरूरत ही नहीं। जी सर, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक अभी मैंने एक एक्सरसाइज की थी, उसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप इस पे बोलिएगा। पास जब निकाला हमने क्लाइंट का तो आया एस ऑफ सॉर्ट्स, प्रेजेंट जब निकाला तो आया थ्री ऑफ सॉर्ट्स, और फ्यूचर निकाला तो आया नाइट ऑफ सॉर्ट्स, सारे कार्ड सॉर्ट्स के आए। तो ये सब लोग सोचिए इसके बारे में कि इसका क्या मतलब। एक क्लाइंट ने पूछा कि मेरी लव और रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपने तीन कार्ड निकाले कि उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इसके, और फ्यूचर में कैसा। पास्ट के लिए कार्ड आया एस ऑफ सॉर्ट, प्रेजेंट के लिए थ्री ऑफ सॉर्ट्स, और फ्यूचर के लिए नाइट ऑफ। तो सीधा ये तीनों कार्ड को देखो और बताओ। जी सर, मनीषा जी, आप भी इन तीनों कार्डों को देखिएगा और आपको भी बताना है कि क्या इन चीजों से मतलब निकलता है। एस ऑफ सॉर्ट्स में क्या क्या मिलता है? पास्ट में तो इनका नेगेटिव कार्ड आया था, कुछ एस ऑफ अच्छा नहीं सॉर्ट्स, था। नहीं नहीं सर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये तो बिगिनिंग वाला कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ट्स एस ऑफ तो, सॉर्ट तो और पॉजिटिव। सर सर एट ऑफ सॉर्ट्स में लिखते ओ सॉरी नहीं, सर। एट ऑफ नहीं, एस ए सी नंबर वन। जी, पास्ट में सक्सेस थी इनकी लव रिलेशनशिप में, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस को भी शो कर रहा है, हाँ और मतलब बहुत अच्छा ऑफर उनके पास था, अच्छा, रिलेशनशिप हाँ, बहुत अच्छी थी अच्छी उनकी, गॉड अपॉर्चुनिटी थी इनके पास, की गॉड्स की ब्लेसिंग्स थी, ब्लेसिंग्स अच्छा थी। खासा न्यू हाँ थॉट्स एंड अपॉर्चुनिटीज थी। पास्ट हाँ वाज वेरी गुड। पास का जो रिलेशनशिप था बहुत अच्छा था, इन्हें बहुत अच्छा ऑफर मिला, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली, बहुत अच्छा इनका सब कुछ रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सक्सेस रही। प्रेजेंट आया जो आज ही डेट में आ रही है वो थ्री ऑफ शॉर्ट्स आ रही। दैट शोज इमोशनल पेन एंड सोरो, हार्ट ब्रेक। यस, मतलब अब ये स्थिति इनकी हो गई है कि इनका दिल अब जो है वो टूट चुका है परेशानी से। फुल नेगेटिव है ये, जो हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन, हाँ पेन नेगेटिव, बाय द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर हाँ एंड देयर इंटेंशंस फॉर द रिलेशनशिप इज नॉट गुड। मतलब आपको जो है बेसिकली सब दूसरे जो भी पार्टनर है या जो कुछ भी है उसने आपको यूज किया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। यू हैव बिन यूज बाय द पीपल अराउंड यू, और इससे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, ये प्रेजेंट आता है। और फिर आप क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर आ गया आपका, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। तो नाइट ऑफ शॉर्ट्स क्या है? ये तो पॉजिटिव कार्ड है, हाँ मतलब जो हार्ट ब्रेक होने के बाद वो थोड़ा संभल गए हैं, और हर वो चीज वो मतलब सोच समझ के थोड़ा मैच्योर हो गए हैं, और गुड डिसीजन मेकर हो गए हैं, तो वो सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। और हाँ, सोचो उसको थोड़ा सा, नाइट ऑफ शॉर्ट्स को थोड़ा सोच सा समझ के अपने रिलेशन को आगे लेके जाए। और सोचो, हाँ, नाइट बी ऑफ शॉर्ट्स क्या है? केयरफुल एंड बी लिटिल स्लो इन टेकिंग द डिसीजंस, एंड बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर इन टेकिंग द। सोचिए जरा इस कार्ड पे, और थोड़ा सोचिए आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाइट ऑफ शॉर्ट्स बहुत तेजी से भाग रहा है तो आप सिचुएशन से निकल के भाग रहे हैं, बस ये भाग जाना चाहते हैं छोड़ छाड़ के सब कुछ। घोड़ा उसका बहुत तेज दौड़ रहा है, आई थिंक संभाल मतलब सकते अपनी हैं प्रिकॉशन रिलेशनशिप को बाय टेकिंग प्रिकॉशंस एंड बीइंग लेकर, प्रिकॉशन कॉशियस, के साथ। कॉशियस होके मूव करें, और इसमें लिखा भी रिस्पॉन्सिबिल। है, लिटिल पीस ऑफ एडवाइस दैट ही शुड बी अ लिटिल प्रिकॉशंस एज द स्पीड इज टू हाई। हाँ सर, तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप जो है अपनी प्रॉब्लम से निकल के भागना चाह रहे हैं, ऐसा ना करें, थोड़ा शांत रहें, आराम से सोचें, क्योंकि सर इसमें इसमें वैसे उसमें तो वो भी कर सकते हैं ना कि क्लाइंट की एनर्जी और पार्टनर की एनर्जी निकाल के देख सकते हैं। वो भी कर सकते हो, वो जैसे मर्जी कर सकते हो आप। जैसे इसका ये है, इसमें एक एक आता है नाइट ऑफ शॉर्ट्स में आता है कि यू आर गोइंग नॉन स्टॉप टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव बट शुड टेक केयर ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, स्लो डाउन, कि भाई भागने से काम नहीं हाँ चलेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा स्लो डाउन हो, थोड़ा ध्यान रखो, तभी वो होगा। सर, इसमें एक चीज है कि तीन इन तीन कार्ड्स में ना दो पॉजिटिव है, हाँ पास्ट और फ्यूचर पॉजिटिव है, प्रेजेंट इज प्रिटी डार्क। तो उसमें प्रेजेंट में एक ब्रेक करके भी आगे बढ़ सकता है वो, ये थ्री बिल्कुल, ऑफ सॉर्ट्स है, उसमें द पर्सन कैन डिसाइड टू यू नो पार्ट पार्ट वेज एंड मूव इन दैट डायरेक्शन। तो थर्ड कार्ड जो होगा वो सेकंड के एक्शन से ही डिपेंडेंट होगा, मतलब बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, है ना। इस तरीके से आपको निकालना है। अच्छा, इसके लिए अब एक डमी एक्सरसाइज कीजिए आप, उसमें यू कैन टेक वन कार्ड फॉर गाइडेंस आल्सो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेके एक कार्ड गाइडेंस निकालिए। किसी भी एक्स के बारे में स्टडी कीजिए कि भाई उसका लव रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ ग्रुप में नहीं कराऊंगा, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। किसी के बारे में लेके चलिए, और इस एक्सरसाइज को मनीषा जी आप कीजिए, किसी के बारे में पूछिए और वो कार्ड निकालिए वाला, सर इसी का खाली गाइडेंस वाला या पूरी एक्सरसाइज अलग किसी का बता रहे हैं नहीं, आप? पूरी का निकाल लो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लव रिलेशनशिप कैसा चल रहा है उनके। कोई ठीक है आपके सर, पास आया है, सपोज करो वो आपसे पूछ रहा है, तो आप उससे कार्ड निकाल के देखो। ठीक है सर, निकाल सर। फर्स्ट आया है पास्ट के लिए द हाई प्रेस्ट्रेस हाई हाई प्रेस्ट्रेस। प्रेस, हाँ सेकंड आया है नाइन्थ ऑफ पेंटेकल्स, और फ्यूचर के लिए आया है
टेन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ अब जरा देखो पढ़ो क्या है, ये तो हाँ कार्ड जी निकल तीनों आपके सही आए हैं शायद। हाँ जी। सर ये है कि जो हाई प्रिस्टेस है इन्होंने पास में अपने रिलेशन में बैलेंस बनाया हुआ है। कौन सा नंबर कार्ड है पिछले? सेकंड। सेकंड नंबर, तो बैलेंस हाँ वाला जी कार्ड हो गया आपका, मून। है ना? और हाँ जी तो मतलब इनके रिलेशन में बैलेंस था तो ये ठीक है कार्ड इनका। और सेकंड वाला इनका प्रेजेंट के लिए आया है नाइन्थ ऑफ पेंटेकल्स। हाँ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स बोलिए। फ्रीडम नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? ये भी पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस दिखाता है, फुलफिलमेंट दिखाता है, है, हाँ हैप्पीनेस है, मनी है, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, पॉजिटिव को अपनी एंजॉय कर रहे कार्ड। हैं, हाँ जी अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि इनको मतलब सक्सेस मिलेगी अपने रिलेशन में। फ्यूचर फ्यूचर कार्ड क्या है? आया टेंथ ऑफ पेंटेकल्स, हाँ, टेन पेंटिकल्स का कहता है मतलब कंप्लीशन हो गया, टेन तो मतलब कार्ड हो गया कंप्लीशन ना, हो गया। हाँ जी कंप्लीशन हो गया। ठीक है। इनके तीनों कार्ड तीनों कार्ड इनके बहुत अच्छे, टेन ऑफ, सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा इनका। हाँ स्टेबिलिटी ठीक है। हाँ है। जी आप थोड़ा कार्ड जब पढ़ लेंगे ना, मैं थोड़ा सा यही आपसे कहना चाह रहा था कि आप सिस्टम बना दीजिए कि आप रोज एक बार सारे कार्ड को एक बार ऐसे ही पढ़ जाइए, कहीं दिखावा आपने होगा तो उसको पढ़ जाइए। अब पढ़ जाइए तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कभी भी हाई प्रिस्टेस निकला तो कम से कम एक, बहुत ज्यादा नहीं तो आपको एक बार में क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई अच्छा कार्ड है, या नाइन ऑफ पेंटिकल्स निकला है तो अच्छा कार्ड है, तो मेटेरियलिस्टिक कार्ड है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा 90% तो पॉजिटिव ही होते हैं ये वाले कार्ड, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये लव रिलेशनशिप जिसकी भी आपने निकाली है बहुत अच्छी, वैसे किसी की निकाली है आपने या वैसी डमी एक्सरसाइज? डमी की है। मैं यही यहाँ पे कोई, यहाँ सोचने पे जो साथ में किसी ने अगर क्वेश्चन सोचा होगा तो समझ ले उनके लिए है। क्योंकि मैंने तो कार्ड प्रेयर करके निकाला था। अच्छा है जिसका भी है। वाली। हाँ, चलिए हाँ अच्छा, ठीक है मतलब हम लोग प्रे करते हैं कि हमारा हो सबका ये अलग अलग। सही। चलिए गुड। अच्छा अब आपको मैं एक स्प्रेड और पढ़ाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी स्प्रेड। एस्ट्रोलॉजी कितने लोगों को आती है आप कभी, मतलब वो देखा है आपने, कुंडली होती है, कुंडली में कितने भाव होते हैं, क्या है ऐसा, किसी ने देखा है कुंडली के बारे में? सर मैंने तो आपसे सीखी है। नहीं, आपने तो सीखी है। नहीं सुदीप्ता में ने भी शायद एस्ट्रोलॉजी करी है, सुदीप्ता तुमने? सर, हस्बैंड से थोड़ा थोड़ा सुना है, मतलब मैं खुद नहीं। अच्छा सब्यसाची जी से? जी सर, मतलब सुना है, वो ऐसे बोलते हैं तो सुना है थोड़ा, जैसे डॉक्टर की वाइफ सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा मेडिसिन पता है इस तरह। अच्छा चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले आप अपने पास एक चीज नोट करो। सबसे पहले आज आपको बहुत अच्छी चीज बताऊँ, इसका नाम है एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड, एस्ट्रोलॉजी स्प्रेड। तो मैं इसको एस्ट्रोलॉजी की फेम ना बता के, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, पढ़ी होती तो मैं आपको बताता, उसको एक लेमन टाइप से बताऊंगा। थोड़ा लेमन टाइप से क्या बताऊंगा कि इसमें आपको 12 कार्ड निकालने हैं, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आदमी के किस हिस्से में, किस शरीर में कैसी प्रॉब्लम, बीमारी। कई बार तो आते हैं बंदे के, यार एस्ट्रोलॉजी, है एस्ट्रोलॉजी स्प्रेड बीमारी के लिए निकाला जाता बीमारी के लिए भी निकाल लेते हैं, आप इसे किसी चीज के लिए भी निकाल सकते हो। मैं आपको, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होती ना तो मैं आपको बताता कि इससे आप बहुत चीजें निकाल सकते हो। मैं बताऊंगा एक दो चीजें आपको जो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर है। सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो ये एस्ट्रोलॉजी अपने आप में पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं आपको बताऊँ। एक, हम लोग देखते हैं कि आज हम इसको किसी प्रॉब्लम के लिए निकाल सकते हैं क्या, अगर किसी कोई बीमारी है कुछ है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए कि जो फर्स्ट कार्ड होगा एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि दरअसल एक कुंडली होती है, बन ये आपको बनाना सीखने की जरूरत नहीं है, घबराइएगा मत बिल्कुल, ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। इसमें ये इसके भाव होते हैं, फर्स्ट भाव, सेकंड भाव, थर्ड भाव, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ। तो ये 12 हाउसेज होते हैं टोटल, और हर हाउस का मतलब अलग अलग होता है। पहले हाउस का मतलब होता है आदमी की हेल्थ, आदमी की फेम, नेम। सेकंड हाउस का मतलब होता है आदमी का परिवार, आदमी की वाणी, कैसा बोलता है वो, आदमी का धन। थर्ड हाउस का मतलब होता है कि आदमी का करेज कैसा है, उसके छोटे भाई बहन से संबंध कैसे हैं। तो इस तरीके से ये 12 हाउसेस का मतलब हो, इसमें जो प्लैनेट्स वगैरह बैठते हैं उससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कैसे कैसे इसका संबंध होगा। लेकिन मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको जैसे 12 हाउस से हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें देखते हैं वो मालूम होती है, ऐसे ही इन 12 हाउसेस से हमारे पास ये भी डिफाइन होता है कि इनसे हम क्या क्या रिलेशंस देखते हैं। चाचा जी को कहाँ से देखना है, चाची को कहाँ से देखना है, मौसा जी को कहाँ से देखना है, मौसी को कहाँ से देखना है, भाभी को कहाँ से देखना है, भैया को कहाँ से देखना है, वो ये 12 हाउस बता देंगे। दूसरा, ये हाउस आपको यही बताते हैं कि आपका सर कहाँ से देखना है, आपके हाथ कहाँ से देखने हैं, आपका दिल कहाँ से देखना है, आपके लंग्स कहाँ से देखने हैं, आपकी किडनी कहाँ से देखनी है, वो भी ये बता देते हैं 12। उसके बेस पे आप लगा सकते हैं कार्ड निकाल के कि भाई अगर जिस हाउस के लिए कार्ड नेगेटिव आया, देन यू कैन से कि भाई आपके इस हाउस में दिस कार्ड इज नेगेटिव, इट मीन्स कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो सकता। फिर उसके अंदर स्पेसिफिक करने के लिए भी है, वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको अभी बता रहा हूँ। तो अब आप ये कहेंगे जी एस्ट्रोलॉजी तो हमसे आती नहीं, हम कैसे करें, पहला क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा। तो आप इसको भूल जाए, ये कुंडली को भूल जाए, आप सिंपली 12 कार्ड निकालिए, 1 से लेके 2, 3 से
चल ये कार्ड आपको निकाल ले और कार्ड का ध्यान आपको रखना होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट कार्ड से आप देखते हैं इंसान का हेड सर, नोट कर लीजिए। सेकंड हाउस से मतलब सेकंड कार्ड से आप देखेंगे फेस चेहरा। थर्ड हाउस से आप देखेंगे शोल्डर नेक, यानी कि नेक गर्दन या शोल्डर। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस से आप देखेंगे चेस्ट लंग्स। पांचवे हाउस से आप देखेंगे, पांचवे कार्ड से मतलब सॉरी हाउस भूल जाइए, कार्ड में कार्ड बोल। फिफ्थ कार्ड जो आपका होगा दैट विल इंडिकेट एब्डोमन गॉल ब्लैडर और हार्ट, लीवर भी वही दिखाता है। सिक्स हाउस से आप, सिक्स कार्ड से आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन किडनी। सेवंथ हाउस से आप देखेंगे यूट्रस ब्लैडर प्रोस्टेट। एट्थ हाउस से आप देखेंगे प्राइवेट पार्ट। एट कार्ड, नाइन्थ कार्ड विल इंडिकेट योर थाइज योर हिप। टेंथ कार्ड विल इंडिकेट योर नीज घुटने जो होते हैं। इलेवेंथ कार्ड आपके पैर दिखाएगा लेग एंकल, और बारहवा कार्ड आपका दिखाएगा फीट पैर। तो ये 12 कार्ड, अभी मैंने आपको इन 12 कार्ड से बताया है कि कौन सा पार्ट देखें बॉडी। ऐसी मैं कुछ रिलेशन बताऊंगा आपको, तो रिलेशन से आप रिलेशन भी चेक कर सकते हैं कैसे। अब आपके पास आ गया जी, मैं कोई बंदा कहता है कि जी बीमारी है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बीमारी है, डॉक्टर्स भी इलाज करते करते, तो आप ऐसे 12 कार्ड निकाल के देख सकते हैं कि उसकी एक्चुअली बीमारी है किस तरह, किस चीज। एक एक्सरसाइज करें उसके ऊपर। जी जी सर, क्लियर हो जाएगा ना। हाँ, तो 12 कार्ड्स आपको निकालने हैं, लेकिन ये प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कार्ड आपका कौन से पार्ट का है, सेकंड कार्ड कौन से पार्ट, गड़बड़ ना हो मतलब कि बाद में आप सोचो सेकंड कार्ड तो यार इसका था या थर्ड कार्ड। जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं ये एस्ट्रोलॉजी के शास्त्रों में इनका वर्णन है, कहीं कहीं किसी किसी शास्त्र में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ शास्त्रों में दिया है कि फोर्थ कार्ड से आप हार्ट को भी देख, कहीं दिया है कि फिफ्थ कार्ड से आप हार्ट को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बनाना चाहे वो बना सकते। मैंने आपके लिए एक सिंपल सा बना दिया है, इसको आप बना के अपने पास रखिए और इसके हिसाब से टैरो कार्ड आप निकाल के, जब भी आप पहला कार्ड निकाले तो आप टैरो से बोलिए कि दिस कार्ड इज फॉर हेड। सेकंड कार्ड निकाले तो बोलिए कि दिस कार्ड इज फॉर फेस बाउ। थर्ड कार्ड निकाले तो बोलिए दिस कार्ड इज फॉर नेक एंड शोल्डर। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपको, अब आपके पास कोई भी आता है कोई कार्ड जहां नेगेटिव आए, अब आपको ये देखना है कि जिस जो कार्ड नंबर नेगेटिव हो उस नंबर जो इंडिकेट करता है बॉडी पार्ट, उस बॉडी पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो। माइनर कार्ड है तो भूल जाइए, मेजर कार्ड है तो प्रॉब्लम है। अगर मेजर कार्ड कहीं नेगेटिव वाला आ गया तो कह सकते हैं कि भी प्रॉब्लम आपको है। माइनर कार्ड नेगेटिव वाला आता है तो कहते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, दवाई करो इलाज करो ठीक हो। लेकिन किसी कार्ड में, मान लिया किसी का ट्वेल्थ कार्ड में मेजर कार्ड आया और वो नेगेटिव आया, ट्वेल्थ को हम कह रहे हैं कि फीट पैर बता रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारे पैरों में प्रॉब्लम, तो कौन करेगा ये एक्सरसाइज निकल। तो मैं चालू हाँ कर, करो, अभी बता दो, डमी कर रहे हो या किसी के लिए कर रहे हो, देख के किसी के लिए कर सकते हो, देखे जाओ। किसी को पूछना है? मेरे लिए कर दो। संगीता जी? नहीं, मैं सावित्री बोल। अच्छा सावित्री जी, हाँ निकाल। अभी सबका ये भी निकल आएगा किसको मौसी से प्रॉब्लम है, किसको चाची से प्रॉब्लम है, देखते जाओ धीरे सारे धीरे पत्ते यहीं सारे खुलेंगे। पत्ते ही खुलेंगे, किसको सास से प्रॉब्लम है यही मालूम चलेगा कोई नहीं पूछेगा। अब ये कार्ड में कोई स्टडी नहीं कराएगा अपनी, मुझे मालूम है सर फर्स्ट आया है किंग ऑफ सोर्ड। तो ये तो पॉजिटिव कार्ड है। हाँ जी हाँ, तो इसका मतलब सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ जी। सेकंड है हाई प्रेस्टेस। ये भी पॉजिटिव है, थर्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये भी पॉजिटिव है। गर्दन की प्रॉब्लम नहीं है, शोल्डर्स की प्रॉब्लम नहीं है, फिर टेन ऑफ पेंटिकल्स। ये भी ठीक है। पांचवा फिर कार्ड आया कौन है सा है? द हैंगमैन। हैंगमैन। हाँ तो भाई साहब इस आदमी के जरूर जो पांच है छह पेट में है। गड़बड़ है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके है, हर हालत पेट से संबंधित बीमारी सही है इसके पकड़े हैं। एब्डोमेन में प्रॉब्लम है आपके? हाँ, काफी दिन से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, पेट में दर्द हाँ रह रहा बस देख लीजिए, ऐसे ऐसे कार्ड का मालूम चलता है। ठीक है है, सर। तो हाँ इस तरीके से निकालने हैं, जस्ट आप ज्यादा भी मत निकालिए, बहुत हो हैंगमैन। गया और हैंगमैन वैसे भी मतलब मेजर है, कराना हाँ तो इसके लिए मतलब आपको प्रॉपर इलाज करने की जरूरत है, कराना, चाहिए। ये चीज है। अगर मान लिया माइनर कार्ड आता नेगेटिव तो हम कह सकते थे कि भाई ये नेगेटिव थोड़ा सा माइनर है, थोड़ा चलता फिरता सा हल्का फिर, कहते हैं ना कि हल्का सा बुखार हो गया, 99-100 हो गया, कुछ 2-3 दिन दवाई का ठीक, ऐसा सर करके अभी तो कुछ। हमने अच्छे से चार्ज भी नहीं किया और अच्छे से इनको एक्टिवेट भी नहीं किया, तो भी सही प्रेडिक्शन आ रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप देवी माँ का नाम लेके या भगवान का नाम लेके जिनको भी मानते हैं आप ये काम करेंगे हाँ तो आपको करेक्ट। 100% रिजल्ट मिलेगा। बस टेस्ट मत कीजिए इसको भल मन सास से, हाँ जी आप देख लें किसको सास से प्रॉब्लम सर एक बात है बताएं, इसमें आपने बैक का नहीं बताया। बैक का कौन सा पार्ट इंडिकेट करता है बैक को? बैकबोन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जनरली लोगों को रहती है बैक में प्रॉब्लम, तो छठा वो छठा किस नंबर है ना, नंबर से? सिक्स छठा कार्ड। होगा ना वो हाँ, किडनी के फिर किडनी है, लार्ज लेफ्ट साइड। इंटेस्टाइन है, बैक कमर है, वो सब छठे कार्ड से आ जाएगा। नेवल है, नाभि है। मैं आपको ना इसका इनके भेज दूंगा, क्या नाम है आपको, मेरे पे बना हुआ ठीक है, है
इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा मैं, पहले से लेके 12 हाउस तक क्या क्या, ठीक है ना। अच्छा, ठीक इसके अंदर एक चीज और भी हो सकती है। सपोज कीजिए कि आपको पेट की बीमारी, तो आप उसको पांचवा कार्ड में प्रॉब्लम आई, तो पांचवे कार्ड में अगर दो तीन चीजें देखते हैं हम लोग, एब्डोमिनल देखते हैं या गॉल कोई और एक दो ब्लैडर, चीज देखते हैं, तो उसके इसमें फिर हम लोग अलग कार्ड से निकाल के भी देख सकते हैं कि क्या भाई इनमें से कौन सी प्रॉब्लम, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अच्छा, अब दीपक तुम करना चाहोगे किसी का, समझ आया? हाँ समझ आ रहा है अभी धीरे धीरे। धीरे धीरे नहीं आ जाएगा समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पार्ट्स ध्यान रखना। अब आपको बताते हैं कि पहले भाव जो फर्स्ट कार्ड है, रिलेशनशिप में लगा के देखते हैं इसको। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं फॉर रिलेशनशिप। पहला जो कार्ड होगा दैट विल बी योर सेल्फ, मतलब सेल्फ कार्ड होगा वो। मनीषा जी बताइए रिलेशनशिप के बारे में हर नंबर से। ऐसे कार्ड निकालू रिलेशनशिप का? नहीं, ये बताइए कि पहला कार्ड जो होगा यार, पहला हाउस है वो कौन सी रिलेशनशिप दिखाता है, दूसरा हाउस क्या दिखाता है, मोटा 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 मोटा। सर पहला तो सेल्फ को ही दिखाता है। हाँ पहला सेल्फ दिखाता है, सब लोग नोट कर लीजिए, पहला सेल्फ हो गया। दूसरा कार्ड, सेकंड अपनी फैमिली कुटुंब, हाँ कुटुंब या परिवार दिखाता, ठीक है। थर्ड कार्ड, और थर्ड दिखाता है हमारे छोटे भाई बहन या पड़ोस के, जो पड़ोस हाँ या मित्र, जो मतलब ज्यादा बड़ी हाँ फ्रेंडशिप नहीं है आपकी, जो नेबर होते हैं मतलब आपके। छोटे भाई बहन समझ लीजिए, मतलब हाँ जी पास का रिलेशन, ठीक है। हाँ। फोर्थ कार्ड, फोर्थ हमारी मदर को दिखाता है। यस। पांचवा, पांचवा हमारे बच्चों संतान को दिखाता है। संतान, यस। सिक्स कार्ड, सिक्स हमारी मामा, मामा को दिखाता है, मामा मामी, ये जो मतलब इधर साइड के, ननिहाल साइड के होगा। ननिहाल साइड के। हाँ, सेवन, सेवन्थ हमारा दिखाता है हमारे पार्टनर को, मतलब, वाइफ को या हस्बैंड जो भी है। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं बिजनेस में तो उस पार्टनर को भी दिखाता है। आठवां, सेवन्थ क्या बताया हम आपने? सेवन्थ मतलब स्पाउस। स्पाउस। एट्थ हाउस, एट्थ हमारे ससुराल को दिखाता है, सास ससुर, सास ससुर, किसके? स्पाउस के। नहीं, स्पाउस की तो नहीं, मतलब हमारे 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 सेल्फ हमारे के, हमारे स्पाउस के सेल्फ के। तो पेरेंट्स हो गए ना हाँ हमारे हमारे, हमारे। हाँ जी जी जो भी क्लाइंट है उसके, है हाँ, जो ना? क्लाइंट है उसके लिए। हाँ 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 नाइन्थ, नाइन्थ हमारे फादर को दिखाता है। तो टेंथ तो फिर मतलब जो हमारा स्पाउस है उसकी मदर का हो गया ना फोर्थ, हाँ पर्टिकुलर अगर देखते हैं हाँ तो, तो है ना टेंथ का तुम्हारा सास। सॉस की मदर यानी सास का हो गया ना। हाँ मदर हाँ, सास लिख लो, इन लॉ, है ना? इन लॉस का मदर तो इन लॉ। आठ आठ नंबर बताया ना आपने, तो हाँ लेकिन वैसे अगर शायद मेरी, देखेंगे ना कि मदर की हेल्थ वगैरह देखेंगे तो फिर हम स्पाउस की मदर की हेल्थ के लिए फिर 10th पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आठ जो क्या बताएगा फिर? एट जो है बेसिकली ये ससुराल का कार्ड, इसमें सभी ससुराल सभी में लोग आ भी जाते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह अगर उधर से। हाँ, आप एट को इस तरह लिखिए कि टेंथ कार्ड को रखिए कि ये मदर इन लॉ है। अब फादर इन लॉ मान लिया आपने देखना है, तब कैसे देखेंगे बताइए, मैं आपको बता देता हूँ, स्पेस कर दो। बताइए मनीषा जी, फादर इन लॉ कैसे देखेंगे? स्पाउस के फादर, स्पाउस से नाइन्थ कार्ड स्पाउस से काउंट नाइन्थ कीजिए, हो जाएगा ना, सेवन एट नाइन थर्ड हो गया। थर्ड कार्ड। तो थर्ड कार्ड जो है इट विल शो फादर ऑफ स्पाउस, एट से फादर इन पर्टिकुलर लॉ। ये कि आपका इन-लॉज या इधर की साइड से अचानक कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, या इसको पर्टिकुलर देखते हैं। एट साइड से मतलब एट कार्ड जो है दैट इज ओवरऑल इन लॉज है, मतलब सब, चाहे फादर इन लॉ ले सब लो, लोग मदर इन लॉ ले लो, सब ले लो, सभी से है कि भाई इन लॉज से आपकी कैसी बनती है, उसमें आपके नन वो भी आ गई, आपके अगर आप लेडी हैं तो आपके नन नंदोई भी आ गए, आपके जेठ देवर जेठानी ये सब देवरानी हैं। भी सब आ गए इसके, ससुराल वाले आपके सारे। बाकी अगर प्रॉपर पर देखना है कि आपकी सास कौन से आ रही है, तो 10वें कार्ड से जो सास आ रही थर्ड थर्ड है। इसमें तो हमने ब्रदर सिस्टर और नेबर्स दिखाया है। हाँ, वो भी आएगा, फादर इन लॉ भी इसमें आ जाएगा। वो एक्चुअली अगर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, फिर हम कुंडली को उस तरह से घुमा के तब उनके रिलेशन को बताते हैं। और 11th नंबर बताता है बड़े भाई बड़े बहन बड़े को, भाई बहन। 12th नंबर बताता है, हाँ सर 12th तो सर सोचो कोई ना कोई तो हस्बैंड रिलेशन निकलेगा उससे। के मामा, क्योंकि 7th से छठा हो गया और सोचो आपसे, आपसे बेसिकली चल रहा है ना सारा, ऐसा लो ना हमारे। मोटा मोटा रिलेशनशिप लो, घुमा के मतलब उससे। पैटर्नल पैटर्नल अंकल एंड आंटी, सिक्स पे हमने मैटर्नल अंकल एंड आंटियां किया था ना। ये आपकी दादी का हो गया। दादी चाची चाचा। हाँ हाँ, ये उनका कार्ड हो जाएगा, ठीक है मनीषा जी। जी सर। हाँ जी सर। हाँ सर हाँ सर वो 8 नंबर और 10 नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो एट तो नंबर जो है ना वो कंप्लीट ससुराल है, कंप्लीट बोल दो, मतलब बेसिकली क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, ये होता है कि एट्थ हाउस इज फॉर ससुराल। जब कोई लड़की पूछती है ना कि मुझे ससुराल से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम लोग एट्थ नंबर देख, एट्थ कार्ड देखते हैं, यानी उसका एट्थ हाउस देखते हैं कुंडली, कि उसका एट्थ हाउस कैसा है। अगर एट्थ हाउस उसका अच्छा है तो हम कहते हैं तुम्हें ससुराल का सुख अच्छा मिलेगा, ससुराल से तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। ससुराल में सारे लोग आ गए, आपके हस्बैंड फादर इन लॉ भी आ गए, मदर इन लॉ भी आ गए, सब कुछ आ गए। लेकिन आप बात करते हो नहीं जी मेरी मदर इन लॉ में कैसी है, तो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ देखना है तो आपने फिर वो स्पेसिफिक 10th हाउस का मैंने बताया। ये। अरे एक एक्सरसाइज निकालते हैं, कार्ड कीजिए, चलो कौन करेगा इसको रियलिटी में, कौन करेगा, अपना रिलेशनशिप कोई निकालिए। सुजीता तुम निकालो और बताते जाइए पहला कार्ड कौन सा है, पहला कार्ड किस चीज का है और कार्ड कौन सा आया, ये बोलना है आपको दोनों, पहला कार्ड है सेवन ऑफ पेंटाकल। किस चीज के लिए ये।
सर ये सेल्फ के लिए है, सेवन ऑफ हाँ कप्स का है, सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स बताइए मनीषा जी, कैसा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है या नेगेटिव कार्ड है? ये देखिए कार्ड आप लोग स्लो पढ़ते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम हो, इसलिए कार्ड को थोड़ा ध्यान से तेजी से थोड़ा पढ़ना सीखिए, कम से कम पॉजिटिव नेगेटिव तो मालूम नेगेटिव चल है जाए। सर, ये कंफ्यूजन नेगेटिव, है, सेवन ऑफ कप इज नेगेटिव। नेगेटिव है, इल्यूजन। मनीषा जी हाँ हाँ जी सर, बताओ, केतु इल्यूजन, का कार्ड है सेवन, केतु केतु का नंबर। का नंबर है, इल्यूजन का उसका है, और कप्स हैं, सात कप्स हैं, क्या बताता है ये, डाउटफुल कार्ड है। कंफ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज। हाँ तो मतलब सुदीप्ता जी को सेल्फ के बारे में, मतलब अपने आप बारे में भी थोड़ा डाउटफुल रहती है, कंफ्यूज है, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा लगता है इस सेल्फ के जी बारे में, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना। जी। हाँ सेकंड कार्ड निकालिए और बताइए किसका निकाल रहे हैं। सेकेंड का सर नाइट ऑफ पेंटाकल नाइन ऑफ पेंटिकल्स परिवार का है ना, तो जी, बाय परिवार से या बहुत लाइट, अच्छा है। नाइट नाइट ऑफ, नाइट ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो नाइट पॉजिटिव कार्ड है, हाँ नाइट, नाइट नाइट तो पॉजिटिव ही है, ठीक है नाइट तो परिवार से ठीक है। आगे सर। आगे टू ऑफ सोट ये किसका है, छोटे भाई बहनों का? जी सर, छोटे भाई में तो नहीं है, फादर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, हाँ इन लॉ, नेबर। फोर्थ फादर इन लॉ का ले सकते हैं आप। बताओ मनीषा जी, ऑफ सोट है ना, टू ऑफ सोट मैम टू जी सर, जी मैम। ये नेगेटिव कार्ड है। फोर्थ अच्छा आगे चलो, कार्ड है किंग ऑफ वन बहुत अच्छा है, मास रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आगे चलो। सर। फोर्थ कार्ड है नहीं हाँ फिफ्थ, सर, फिफ्थ, 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 फोर तो हो गया ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ जी सर। फिफ्थ कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। वेंड्स था ना, इट वाज किंग ऑफ वेंड्स आई थिंक। फोर्थ, हाँ वो फोर्थ कार्ड है, फिफ्थ कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। बताओ मनीषा जी, फटाफट फटाफट आंसर देते रहो। फोर द फोर ऑफ सोर्ड शोज ए नाइट लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन इट ऑन, ऑफ सोर्ड्स बताइए। क्या मतलब डर चिंता वगैरह संतान से रिलेटेड रहती है आपको? जी जी मैम होती है सर, तबीयत ठीक नहीं रहता अभी ठीक। हाँ जी हाँ जी मैम होती है सर, हाँ तो ठीक है, ये बिल्कुल, आगे चलिए। आपको उसके लिए बहुत चिंता रहती है बच्चे के लिए। जी। कुछ सही बात है, उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स नाइट ऑफ किसका सोर्ड्स, जी। हाँ मामा वगैरह से रिलेशन अच्छे हैं, चलिए। उसके बाद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को सेवेंथ कार्ड का अच्छा स्ट्रेंथ है, हाँ स्ट्रेंथ पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्ड है, स्ट्रेंथ को ठीक है, तो हस्बैंड से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद है फाइव ऑफ वंड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, हाँ ये बताइए, बोलिए आप लोगों में से कोई फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या है, कौन से नंबर कार्ड था ये आपका, ये तो ये हमारा एट नंबर का लॉर्ड कंप्लीट वाला, एट सेवन नंबर। सेवन अच्छा नेगेटिव है सेवन, वैसे तो नेगेटिव है कार्ड, तो वैसे नेगेटिव भी, कार्ड तो नेगेटिव है, कार्ड नेगेटिव है, ये सेवन था, नहीं एट है इनका, ये सेवन एट था, दैट इज है, फॉर इन लॉज बेसिकली, एट का है, इन लॉज का एट थोड़ा प्रॉपर्टी नेगेटिव आ रहा है, वगैरह का है। प्रॉपर्टी वगैरह का भी इन लॉज की साइड से नेगेटिव आ रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा आप एक बार, देख लीजिएगा। जी। हाँ आगे नाइन्थ कार्ड, आगे टू ऑफ वंड्स, कैसा है, क्या पॉजिटिव, बोला, कौन सा कार्ड है? टू ऑफ वंड्स फादर के लिए, पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, है, हाँ फादर का हुआ ना, पॉजिटिव है ये तो। आगे चलिए। उसके बाद द मैजिशियन, द मैजिशियन उसके पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, आगे चलिए। बाद एस ऑफ सोर्ड, ये भी अच्छा है, बड़े भाई बहनों का है, बड़े भाई बहन हैं आपके, हाँ 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 एक बड़े भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, रिलेशन अच्छा है, ठीक है। ट्वेल्थ निकालिए, किंग क्वीन ऑफ सोर्ड ऑफ शॉर्ट्स अच्छा है, दादी से भी अच्छा रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत, दादी, ठीक है। तो ये एक दो जगह प्रॉब्लम आई है, तो वो आप थोड़ा, आपको करने की जरूरत है, अपने अंदर से थोड़ा डाउट पर निकालिए, बच्चों के प्रति चिंता मिंता मत, डर मत, मिंदर मत रखिए, ससुराल से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो सही कर लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है ना, जी। तो आपको अपनी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये स्प्रेड सर था हमारा, एक हाँ बोलो बोलो, एक डाउट था सर, हाँ मेरा एक फ्रेंड बोली कि थोड़ा उसका प्रमोशन होगा नहीं थोड़ा देखने के लिए, तो मैंने जब देखा तो पहले बार उसका नेगेटिव कार्ड आया, तो मैंने बोला कि नहीं अभी तो दिखा नहीं रहा है प्रमोशन कुछ, तो वो थोड़ा कहे कि अच्छा ठीक है देखो तो फिर से निकालो, देखते हैं कि क्या सर वही कार्ड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं 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 टेस्ट नहीं करना कभी भी, टैरो, ओहो टैरो को कभी टेस्ट मत करना, क्योंकि क्लाइंट तो आपसे कहेगा तो टेस्ट करो उसको आप ना, जब आपने देवी माँ से बात करके या भगवान से बात करके कार्ड निकाल लिया कि इनका प्रमोशन हो, हाल तो क्वेश्चन को थोड़ा एक दो स्टेप में तोड़ने की कोशिश करो, नहीं तोड़ पाते हो, आपको सिर्फ येस और नो ही चाहिए, तो फिर येस नो में निकाल लो, सिंगल कार्ड निकाल लो। अगर इस क्वेश्चन को आप दो हिस्सों में, दो कार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि भाई इनका परफॉर्मेंस कैसी है, नंबर वन पहला कार्ड आपने ये निकाल लिया कि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी एनर्जी कैसी, क्लाइंट, दूसरा कार्ड आपने निकाल लिया कि फिर ये होगा या नहीं होगा, तब तो ठीक है, मान लिया उनकी एनर्जी खराब आ गई तो फिर तो आप कह सकते हो ना कि भाई परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं है, आपका थोड़ा, अभी आपने एब्रप्टली उसे कह दिया कि अभी नहीं हो पाए, वो थोड़ा बुरा भी लग सकता है उसको, तो हाँ पहले उसकी आप परफॉर्मेंस का निकाल लो कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है, पहले ये निकालो, अपने आप से पूछ के निकालो, वो तो आप, वो तो क्लाइंट ने तो आपसे पूछा है कि भाई प्रमोशन होगा या नहीं होगा, उसका क्वेश्चन अलग है,
आपको क्वेश्चन रिफ्रेम अपने आप से अलग कर, ठीक है? उसकी सेकंड वाला निकला तो वो पॉजिटिव है, तो बोले ये क्या है, ये कुछ काम का नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तो ऐसे कभी किसी को खेलने मत देना कार्ड से, और ना टेस्ट करना, वो कभी नहीं हो, ठीक है? कार्ड अगर आप टेस्ट करोगे, दोबारा करोगे, तो गलत अलग निकलेगा ही। जो चार्ज करके एक बार भगवान से बात करके आप उसका आंसर चाहते हो, उसका आंसर आपको पहले कार्ड से मिलेगा। उसके बाद बोलो जी नहीं, दूसरा कार्ड हम नहीं निकालते, पहला कार्ड। जी जी अब वो आप मर्जी आपकी है कि क्वेश्चन को आप कैसे डिफरेंट उसके अंदर कर सकते। जी